राजगढ़ में तहसीलदार पर हमला करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था आरोपी, पुलिस ने पहले ही घेराबंदी कर धरना पूछा। ग्वालियर में पति से परेशान होकर पत्नी ने थाने में की शिकायत। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पाए जाने से मुरैना के एक गांव में बड़ी मात्रा में मिला अवैध शराब का जखीरा। जमीन खोदने के लिए बुलानी पड़ी जेसीबी। 28 ड्रमों में लहन को किया गया नष्ट। ग्वालियर में बीच सड़क पर विवाद के बाद कट्टा दिखाने का मामला। मामले से जुड़ा वीडियो हुआ वायरल। फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। माधवगंज पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उस लड़के को मैं कट्टे और 3 राउंड में गिरफ्तार किया गया है और कल उसे न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। ग्वालियर में हथियार के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना युवक को पड़ा भारी। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को किया गिरफ्तार। इसमें एक जो दूल्हा है वो फायरिंग कर रहा है, उसकी ऑलरेडी क्या कैमरा टीम काम कर रही है। दूसरा जो वीडियो वायरल हुआ था वो इसमें वो जो कट्टा है कट्टे को रखते हुए और स्मोकिंग कर रहा था। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद, पुलिस का खौफ हुआ कम। इंदरगंज इलाके में पुलिस थाने से 1 किलोमीटर दूर बदमाशों ने जमकर किया हंगामा। फायरिंग हुई है जिसके सामने जो बार में लगा हुआ है ग्लास टूट गया। यद्यपि कोई उसमें किसी को चोट नहीं आई है, इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंच गई थी और तत्परता से इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। नरसिंहपुर में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ धरने पर बैठी विधायक, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 8 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की अपील। छतरपुर में प्लॉट पर कब्जा दिलाने के लिए फरियादी ने कलेक्टर से लगाई गुहार। भू माफिया की जमीन हड़पने से भटकने के लिए हुआ मजबूर। जी आज आप कलेक्टर ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? जी मेरा 2010 में एक प्लॉट हमने उमाकांत महोत्सव से लिया हुआ था। कहाँ पर? ये अठापुर रोड पर कट्टू पहाड़ के पीछे। जी कितने बाई कितने का प्लॉट है? उसमें लगाई आदमी ने सर। शाजापुर में लालघाटी थाने को नहीं मिल पा रहा खुद का भवन। जमीन मिलने के बाद भी नहीं शुरू हो पा रहा निर्माण। खेल विभाग के कमरों में संचालित हो रहा थाना। मन में भी जमीन का आवंटन हो चुका है और जल्द ही निश्चित तौर पर जल्द ही इसका हमको आवंटन प्राप्त हो जाएगा और लालघाटी थाने का निर्माण कराएंगे। धार में एक नन्हे बालक ने अनूठे अंदाज में लता जी को दी श्रद्धांजलि। कई चीजों से लता जी की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना। उनको भारत रत्न मिला है और उनका जब निधन हुआ तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने उनकी 7000 नट से पेंटिंग बनाई है। कोरिया में SCCL की बनाई सड़क की हुई जर्जर अवस्था। जगह जगह मौजूद है गड्ढे, लोगों को आने जाने में करना पड़ता है दिक्कतों का सामना। कोई भी काम नहीं हुआ है आज, और ज्यादा दयनीय होते जा रहे हैं गड्ढे, और बड़े बड़े और नए नए गड्ढे बन गए हैं। रायपुर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से पुलिस की मारपीट का मामला पकड़ रहा तूल। पार्टी नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई को बताया गलत, राज्यपाल से उचित कार्रवाई की मांग। और ये सरकार का पूरी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई को
दबाने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर आने वाले समय पर बड़ा आंदोलन करेगी। मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में जिले के हंडिया मां नर्मदा के नाभि कुंड क्षेत्र में किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने धर्म प्रेमी जनता के साथ मां नर्मदा को 501 मीटर की चुनरी चढ़ाई। ग्वालियर में बीच सड़क पर दे दनादन, सड़क पर चलता रहा घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चली लाठगोजी, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। नर्मदा जन्मोत्सव पर घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब, देवीकला के प्रसिद्ध हरसिद्धि मंदिर के धर्म सेवा समिति की ओर से चुनरी लेकर ककरा घाट तक निकाली गई शोभा यात्रा। 2015 से यहाँ के तेंदुकड़ा के लोग, रामपुरा, खमरिया, आसपास की सुनेटी, सब लोग मिलके आस्था के प्रतीक हमारे यहाँ माँ नर्मदा, उनकी चुनरी हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं और हमारी आस्था है माँ नर्मदा में, पर हम भरोसा करते हैं कि मैया हम सब लोगों को खुश रखेगी। अपहरण के आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार, आरोपी में दो बाल अपराधी शामिल, हनुमाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को किया गिरफ्तार और सलाखों के पीछे पहुंचाया, पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। इसमें लड़की की उम्र भी 17 साल है, उसमें जो दो आरोपी, एक 16 साल का, एक 17 साल का है, और एक आरोपी है जो शिवकरण, वो बालिग है। तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये बच्ची को मेडिकल जो हुआ है, उसके बच्ची के मेडिकल में सब की जाए, दिखाई भी देता है इस तरह की हरकतें की है, और जो आरोपी भी है वो भी उसी समुदाय के हैं और पास के गाँव के ही रहने वाले हैं। मनावर पुलिस ने 24 घंटे में लूट का पर्दाफाश किया, आरोपियों से बाइक, साड़ियां, मोबाइल और 19,000 रुपए जब्त किए। लूट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सेंधवा स्वच्छता अभियान के तहत सेंधवा नगर पालिका राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई। इसके तहत सुदामा कॉलोनी स्थित एक गोदाम से बड़ी मात्रा में अमानक पॉलिथीन की थैलियां जब्त की गई। गोदाम से लगभग 25-25 किलो के 30 बैग जब्त किए गए। स्वच्छता संरक्षण का कार्य चालू है, इसमें पॉलीथीन, अमानक पॉलीथीन की जो जब्ती की गई है, उसमें आज नगर पालिका अमले और केजरीवाल साहब नायब साहब के सहयोग से 30 बैग जब्त किए। ये शामदास कॉलोनी में सरफराज करके कोई है, उनके यहाँ से जानकारी मिली तो वहीं से जब्त। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील में एक महिला की हट धर्मिता के चलते एक महिला की अस्थि को बीच में रोक दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ते से निकलवाया, तब कहीं जाकर अंतिम संस्कार हुआ। महिला पूरे गांव को झूठे मुकदमे में फंसाने की देती रही धमकी। गांव के डिप्टी सीईओ माधवी भार्गव द्वारा शहर की तंग गलियों में अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए शहर की तंग गलियों में भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने पट्टी बाजार में हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया और सामान जब्त कर आगे से बिना परमिशन निर्माण कार्य करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उज्जैन में चूड़ी बाजार स्थित श्री रामकृष्ण ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसकर 4 से 5 लाख रुपए की चोरी और नकद लेकर चक्कर हो गए। उज्जैन झाड़ावाड़ पाटन मार्ग में वृक्षों की अवैध कटाई, लकड़ी माफिया मचा रहे आतंक, 100 से ज्यादा वृक्षों की पेड़ काटे गए। इस संबंध में प्रशासन की लापरवाही है, पर्यावरण के साथ भारी खिलवाड़ हो रहा है। भाई हमारे जो वृक्ष की जो अवैध कटाई हो रही है, तो प्रशासन, वन मंडल और राजस्व विभाग को ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराया गया और पर्यावरण के साथ अगर इस प्रकार खिलवाड़ किया गया तो भारतीय किसान संघ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। नर्मदा जयंती पर ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल आकर्षक रोशनी से दमक उठा। नर्मदा के घाटों पर पूजा अर्चना के साथ ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मंत्रोच्चार के साथ 251 लीटर दूध से पंचमित्र अभिषेक पंडित गोपाल दुबे सहित अन्य पंडितों ने कहा। सभी क्षेत्रों में माहौल व्यवस्था लगाई गई है, यातायात से लेकर घाटों में, मंदिरों में, सभी जगह व्यवस्था लगी हुई है, दल लगा हुआ है, सभी अधिकारी नजर रख रहे हैं और प्रशासनिक और से नगर पालिका राजस्व विभाग जनता।
भंडार सौदे में प्रशासन द्वारा फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थायी सब्जी मंडी बनाने के लिए सरकारी जमीन को खाली करना शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर तहसीलदार कमल मंडेलिया ने ग्राम उपचमा के तकरीबन 42 लोगों को सरकारी जमीन से बेदखली के नोटिस जारी किए। नर्मदा जयंती के अवसर पर इंदौर से आए मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष चिन्मय मिश्रा ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ नर्मदा नदी में नावों पर नर्मदा के प्रदूषण से बचने का संकल्प लिया। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटेकर के नेतृत्व में डूब प्रभावितों को मुआवजा दिलाने 36 सालों से संघर्ष किया जा रहा है। इवनिंग वॉक पर निकली महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने पता पूछने के बहाने गले में पहनी सोने की चेन झपट ली। सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आरोपी की पतासाजी में जुट गई। नगर बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी भाजपाइयों को गिरफ्तार किया, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप सहित कुछ पूर्व विधायकों को किया गया भाजपा कार्यालय से गिरफ्तार। पीड़ितों के साथ भाजपा कर रही है थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना। देहवासियों को प्रशासन के नोटिस, कॉलोनी वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पूरी कॉलोनी को बताया अवैध बिल्डर से लेकर आवासीय कॉलोनी में लंबे समय से रह रहे हैं लोग। चैनपुर है, वहाँ पर रामचरण केसरवानी और दीपक केसरवानी द्वारा नाकी बिक्री किया है 2017-18-19 में। उस समय उसके द्वारा कानूनी बनाया गया जहाँ बोला गया था कि हर चीज की सुविधा मिले, और सुविधा नहीं देने के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कलेक्टर महोदय को शिकायत की, जिसकी प्रतिलिपि हमें भी प्राप्त हुई है। उस संबंध में बयान दिया जा रहा है। पूर्व में भी दीपक के सरवानी द्वारा कॉलोनी में मारपीट किया था, जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, न्यायालय में विचाराधीन। पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 क्विंटल गांजा बरामद। गांजा भरकर दीसा से बिलासपुर रतनपुर बोरेला मार्ग होते हुए अनूपपुर कोचमा की ओर जा रहे थे तस्कर। राजरन गांव में विधायक छन्नी साहू की अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी। पति पर एसओसीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने से ही नाराज विनोद पक्षा के नक्सल प्रभावित गांव का किया दौरा। नर्मदा जयंती पर 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। मां नर्मदा को उड़ाई गई चुनरी। नर्मदा में मिल रहे गंदे पानी के लिए नर्मदा भक्तों ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। आधार कार्ड बनवाने के लिए युवक हफ्ते भर से परेशान होने को मजबूर। सभी दस्तावेज नहीं होने के चलते नौकरी के लिए नहीं दे पा रहा इंटरव्यू। मेरे को बहुत दिन से बुला रहे हैं, मेरे को बोले कि अब मैं निवास लेके आओ। तो मैं निवास लेके आया, फिर पापा जी का निवास था, मुझे मेरा भी नाम है पापा जी के उसमें, और अब बोल रहे हैं कि तुम्हारा खुद का निवास चाहिए। टीकमगढ़ के आलमपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मारपीट का वीडियो भी हुआ वायरल। हमारे गांव में हमारे साथ मारपीट की गांव में पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उस बात से मतलब मारपीट की। टीकमगढ़ में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी। ये कल की घटना है। थाना कुतवाली के अंतर्गत श्यामपुरा थाना गुड़िया में आता। अनूपपुर में नर्मदा जन्मोत्सव की शुरुआत। 8 फरवरी को संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी प्रदर्शनी। वनवासी लीला नाट्य लोक रंग की होगी प्रस्तुति। ग्वालियर में कांग्रेस नेता बालेंदु शुक्ला की पत्नी के जेवरात बैंक लॉकर से गायब। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद शुरू की जांच। हमारा सामान मिलना चाहिए। अब पुलिस क्या करेगी, ये पुलिस का काम है। बैंक वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं कह नहीं सकता हूँ। मैंने जब तत्काल ब्रांच मैनेजर से कहा भी था। अनूपपुर में लोगों ने श्रमदान कर बनाई सड़क। कई बार जिम्मेदारों को परेशानियों से कराया था अवगत। निराकरण नहीं होने पर खुद ही ली जिम्मेदारी।
सतना के अमरपाटन में देवर की हत्या मामले में उसकी भाभी गिरफ्तार। जमीन के विवाद को लेकर आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम।